Hi, my name is Simran Kashyap and I am from Shimla. I have done my bachelor's in biotechnology from Shulini University and now I am pursuing master's in microbiology. Actually, मैं ये बताना चाहूँगी कथक मैंने यहाँ पर कैसे सीखा. कथक से मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार था. जब मैं फिफ्थ क्लास में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं कथक क्लासेस जाऊँ. देन मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिए क्लासिकल म्यूज़िक से और मैंने उसमें विशारद भी करी है क्लासिकल म्यूज़िक में. और फिर उसके बाद मेरा बहुत मन होता था कि अब मुझे कथक करना है, मुझे कथक करना है. इधर एक्टिविटी सेंटर में मेरी मैम डांस कर रहे थे जिनका नाम मिस आशिमा डोगरा है. तो मुझे घुंघरू से बहुत ज़्यादा प्यार है. उनकी आवाज़ को सुन के मुझे मतलब बहुत शांति सी महसूस होती है. तो मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे कथक से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा मन है. तो मतलब लकीली मैं उनकी फ़र्स्ट स्टूडेंट थी आशिमा मैम की. फिर मैम ने मुझे देखा कि चलो क्लासिकल म्यूज़िक तो मैंने पहले से ही किया था ऑलरेडी, तो मुझे थोड़ा बहुत ताल का नॉलेज था. तो धीरे धीरे करके मैं सीखती गई. एक तो मेरी उसमें झील भी थी और मेरा प्यार भी था, तो मैं सीखती गई. फिर धीरे धीरे मैम ने, मुझे लगा कि मैम बंगाल से होंगे, बट वो कहते ना दुनिया बहुत ज़्यादा छोटी होती है. तो मैम, फिर मैंने मैम से पूछा मैम आप कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा कि मैं शिमला से ही हूँ. और मैंने सोचा था कि मुझे मतलब कोई अच्छा गुरु मिले और जिनसे, फिर मैम ने मुझे कहा कि तुम एग्ज़ाम देना चाहोगे, तो मैंने कहा कि हाँ जी देना चाहूँगी. तो मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, फर्स्ट ईयर दिया, प्रथमा जिसे कहते हैं हमारे, तो प्रथमा दिया. फिर जिनसे मैं पहले सीखती थी बचपन में, फिफ्थ क्लास में एक महीना सीखा था, उनके गुरु, मैं पहले अपने गुरु मैया का नाम लेना चाहूँगी, मिसेज इला पांडे जी. तो उनसे, जिनसे मैं पहले फिफ्थ क्लास में सीखती थी वो उनके भी गुरु थे और जिनसे अभी भी मैं सीखती हूँ वो उनके भी गुरु हैं. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब अपनी गुरु मैया के पास भी, उनके पास आना होगा मेरा. तो वो लाइक एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ में कि मैं इतना वेट करके मुझे बहुत अच्छे गुरु से सीखने का मौका मिला. और आशिमा मैम ने तो खैर वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब मेरी माँ की तरह है. उन्होंने मुझे यहाँ पे अपने बच्चे की तरह संभाला, अपनी मम्मा पापा से दूर रहकर भी. तो बस फिर यही थी मेरी स्टोरी. किसी चीज़ को बहुत मन से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है. तो वो वही बात में मुझे आज रियलाइज़ हुई है ये कि हाँ, अगर तुम हर चीज़ चाहोगे तो तुम्हें पक्का मिलेगी. और हर चीज़ की इच्छा रखो, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो हमेशा पूरी होती है, कभी ना कभी तो होगी ही. शूलिनी के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ बिकॉज़ शूलिनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है. पढ़ाई तो हो ही रही और मुझे पता है कि मैं यहाँ से करके भी जाऊँगी कुछ ना कुछ, लेकिन साथ साथ मैंने अपने लिए जो मैंने चाहा था वो भी मिला. और साथ साथ में मैंने अपने आप को, खुद को इम्प्रूव किया कि हाँ, मैंने अपनी क्वालिटीज़ देखी कि हाँ मुझ में ये भी है और मैं ये भी कर सकती हूँ. शूलिनी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी. अगर आपको यहाँ क्या मतलब, यहाँ पर आओ, ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ पे जितना आप सोचते हो उससे कई ज़्यादा लेकर जाओगे, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है. सो प्लीज़ कम टू शूलिनी यूनिवर्सिटी एंड इट्स अ बेस्ट यूनिवर्सिटी.